नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। हम लगातार यूथ की बातचीत आप तक दिखा रहे हैं, ये जानते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा को लेकर। हमें यहाँ पे, मेरा नाम अर्पिता है, हमें यहाँ पे 18 इयर्स हो गए हैं स्टार्टिंग, मतलब बचपन से ही मेरे पापा ने मेरे को स्टार्टिंग से हम यहाँ पे आते हैं और मतलब हम मैथ स्टूडेंट रह चुके हैं वैसे, और यहाँ पे हम अपने आप को इतना सेफ समझते हैं कि लड़कियों को लेकर कैसे सेफ्टी है डेरे में। सेफ्टी यहाँ पे हर एक चीज़ पे सेफ्टी है, मतलब यहाँ पे कोई गलत नज़र से नहीं देखता लड़कियों को, और यहाँ पे पिता ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करो। तो यहाँ के लड़के हमें अपनी बहनों के समान, बड़े बच्चों के समान समझते हैं। अभी समाज में पिताजी संत जी की ज़रूरत है, अभी समाज में संत जी की ज़रूरत है, हमें तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक वो यहाँ पे हैं हम लोग, हम तो यहाँ से जुड़ के मानवता भलाई के जितने कार्य हैं सबको बहुत अच्छे से करते हैं, और यहाँ पे हर एक वो टीचिंग दी जाती है जो हर एक बच्चे बच्चे में होना ज़रूरी है। समाज के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? समाज के लिए हमने मतलब जैसे पिता ने हमें सिखाया है कि गरीबों की मदद करना और सफाई अभियान चलाना, तो हमने आज तक उनके चलते मतलब कदम पे चलकर उसके मतलब हमने हर एक वो कार्य किया जो हमें हमारे गुरुजी ने सिखाया है। अभी संत जी 30 दिन की पैरोल पर आए थे, तो उनके आने से क्या नए कार्य शुरू करें? उन्होंने एक तो जो रोटी है गाँवों को जो है भूख के कारण, मतलब वो आजकल तो बीमारी भी फैल रखी है, तो उन्होंने जैसे बोला कि रोटी खुद के से पहले एक रोटी उनके लिए निकालनी है, और जो एक आप रास्ते में वॉशरूम वगैरह लोग क्या करते हैं कि सड़क पे ही शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए जो टॉयलेट का चलाया है वो सबसे बेस्ट है। इस समय समाज में संत जी की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर यहाँ पे संत हैं तो लोग अच्छे कार्य ज़्यादा करते हैं, और वो हमें हर एक वो चीज़ सिखाते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। सरकार से क्या अपील है? हमारी सरकार से यही अपील है कि हमारे गुरु जी को जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लें, और ताकि वो हमें मानवता भलाई के कार्य को और करने की प्रेरणा दे सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जनता की बस यही मांग है सरकार से जल्द संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा को समाज के बीच लाया जाए, ताकि वो नए कार्य शुरू कर सके, नशा छुड़वा सके। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।